अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू द किचन स्टोरी। आज किचन स्टोरी में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार यमी सी चॉकलेट फजी ब्राउनीज। तो कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब, सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है 1 कप, बारीक चीनी मैंने ले ली है 1/2 कप, 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं ब्राउन शुगर के, कोको पाउडर लिया है मैंने 1/2 कप, और ये 200 ग्राम मैंने बटर लिया है। अच्छा जी, ये मैंने क्रेव की चॉकलेट ले ली है, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हमें चाहिए वनीला एसेंस का, 1 कप मैंने लिया है चॉकलेट चिप्स का, और ये 3 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट का लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कॉफ़ी ले ली है, और 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है। बटर जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए तकरीबन। इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं, अब हम इसको मेल्ट करते हैं चॉकलेट चिप्स के साथ। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं और उसमें हम बटर ऐड करते हैं। चॉकलेट चिप जो मैंने 1 कप लिया है इसके अंदर ऐड करते हैं। तो इसको मैं 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव ओवन के अंदर मेल्ट कर लूँगी। तो ये मेल्ट हो चुका है, मिक्स करते हैं इसको हम। ये हो चुका है मिक्स, अब हम इसको सेट करते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो ले। सबसे पहले एक हम बाउल लेते हैं, इसके अंदर हम जो हमने 3 अदद अंडे लिए थे ऐड करते हैं। चलिए जी, एग्स जो हमने लिए हैं उनको बीट करते हैं। वो ना हमने इतना बीट करना है कि इनका टेक्सचर जो है ना वो बिल्कुल फ्लफ हो जाए। तो ये हो चुका है, अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करते हैं और फिर से हम इसको बीट कर लेंगे। इसको हमने इतना बीट करना है कि चीनी बिल्कुल इसमें मिक्सअप हो जाए। ये मिक्स हो गई है, अब हम इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड करते हैं। नमक ऐड करते हैं, फिर से हम इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हो चुका है। अच्छा जी, अब हम ये जो बटर वाला हमने मिक्सचर बनाया था ना, इसके अंदर हम एग वाला मिक्सचर ऐड करते हैं। तो अब ना हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसका बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है, अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करते हैं। कोको पाउडर जो हमने लिया था वो भी ऐड करते हैं। बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, ये मैंने मैदा भी छान लिया था और कोको पाउडर भी। अच्छा जी, बेकिंग पाउडर हमने ऐड कर दिया, अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉफ़ी का जो हमने दिया है वो ऐड कर देंगे। इसको हमने थोड़ा सा ही बीटर से बीट करना है, बाकी हम स्पैचुला से करेंगे। तो ये देखें हो चुका है, अब हम इसके अंदर जो हमने ब्लैक चॉकलेट ली थी वो ऐड करते हैं, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है ब्राउनीज के अंदर। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये रेडी है, अब हम अपना पैन रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने पैन ले लिया था ब्राउनीज के लिए, और इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है, अब हम इसके अंदर अपना टेक्सचर डालेंगे। तो ये मैंने डाल लिया इसके अंदर, इसको हम बराबर कर लेंगे बिल्कुल। इसको थोड़ा सा हम रफ रफ कर लेंगे ताकि
ताकि ये बिल्कुल खराब नहीं हो जाए, एयर इसके अंदर से निकल जाए। तो ये मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स बचा लिए थे, तो ये हम इसके ऊपर थोड़े से लगाएंगे। तो ये बेकिंग के लिए रेडी है। ओवन मैंने जो है ना प्रीहीट कर लिया है 170 डिग्री पे, और इसको ना मैं 30 मिनट्स के लिए बेक करूँगी और आपको दिखाती हूँ। तो चेक करते हैं, तो माशाल्लाह से हो गई है। तो इसको अब हम ठंडा कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये रेडी हो चुका था, ठंडा हो गया। तो मैंने इसके ऊपर कोका स्प्रेड फैला दिया है थोड़ा सा, अगर आपको पसंद हो तो आप भी फैला सकते हैं। तो अब हम इसको कटिंग करते हैं। तो निकाल लिया मैंने, तो हम तो चलें जी कटिंग करते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी मैं दिखाती हूँ आपको। अभी वैसे थोड़ी सी ये हॉट ही थी, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की बनी है। अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। तो देखें जी माशाल्लाह हमारी कितनी प्यारी ब्राउनीज रेडी हुई हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे ये पतीले में भी बनती हैं, लेकिन उसमें ये 45 से 50 मिनट लेंगी बनने में। तो मैंने इसको वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व किया है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। तो कुछ ही घंटे रह गए हैं हमारा नया साल शुरू होने में, तो आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।